अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको गोजी बेरी के फवायद के बारे में बताएंगे। शुमाल मगरबी चीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो एक मुख्तलिफ नौयत की दौलत से मालामाल हैं। येलो रिवर के किनारे ल्यूपिन पहाड़ी सिलसिले की छाओं में नंगरिया खत्ते के लोग सदियों से एशिया के सबसे मनपसंद बेर जिसे गोजी बेरी या वुल्फ बेरी कहा जाता है की पैदावार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहाँ पाई जाने वाली छोटी सी बेरी शक्ल वाली बेरी को रेड डायमंड या लाल हीरा कहा जाता है। इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसमें बढ़ती उम्र के असरात रोकने की ताकत है, इसलिए इसने एक सुपर फूड के तौर पर नई आलमी हैसियत हासिल कर ली है। चीन की गोजी बेरी से मोहब्बत सैकड़ों साल पुरानी है और रवायती चीनी तिब के माहिरीन के ख्याल में इसमें बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो मेडिसिन की तैयारी में काम आ सकती हैं। इसका कदीम तरीन रिकॉर्ड मेटेरिया मेडिका के कंपेंडियम में मौजूद है जो एक तारीखी तबी मतन है। इसे मशहूर हर्बल साइंसदान ली शेजन ने 16वीं सदी में लिखा था। गोजी बेरी को अगरचे पूरे चीन में उगाया जाता है, लेकिन ये नंगरिया खत्ते की जमीन में अनोखी साख्त है जिसने इस फल की सबसे बेहतरीन किस्म को पैदा किया, जिसकी वजह से इस इलाके की ठंडी हवाएं मादनियात से जरखेज मट्टी और येलो रिवर की आबपाशी है। चीन के लोग गोजी बेरी को फल और जड़ी बूटी दोनों के तौर पर देखते हैं। इसे ये लोग सदियों से मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गोजी बेरी में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड और दीगर मादनियात पाए जाते हैं। रवायती चीनी तब के माहिरीन जिगर और गुर्दे की बेहतरी के लिए गोजी बेरी के इस्तेमाल को तजवीज करते हैं। चीनी माएँ अक्सर अपने बच्चों को ये कहती हैं कि इन्हें गोजी बेरी ज्यादा खाने की जरूरत है। ये कैरोटीन से भरपूर है जो बिनाई बेहतर करने में मददगार साबित होता है। गोजी बेरी तवील अरसे से चीनी सकावत का हिस्सा रही है। रवायतों में मिलता है कि वो हजार साल पहले एक डॉक्टर चीन के गांव में पहुंचा जहां हर शख्स की उम्र 100 साल से ज्यादा थी। इसने दरियाफ्त किया तो पता चला कि वो सब एक ऐसे कुएं से पानी पीते हैं जिसके इर्द गिर्द गोजी बेर मौजूद हैं। जैसे ही फल पक जाता है तो इनमें से ज्यादातर कुएं में गिर जाते हैं। इस तरह विटामिन सी से भरे फल पानी में शामिल हो जाते हैं। 17वीं सदी के ली किंग यूएन का किस्सा भी गोजी बेरी से जुड़ा है। कहा जाता है कि वो रोजाना ये बेरी खाता था जिसकी वजह से इसने 252 साल की उम्र पाई। गोजी बेरी की इन खसूसियात की वजह से इसे चीन और दीगर ममालिक में एक सुपर फूड के तौर पर देखा जा रहा है। अब गोजी के बेर बैन अक्वामी सार्फिन में भी मकबूल हो गए हैं। सुपर फूड के नाम से मशहूर इस बेर के एक पैकेट की कीमत 10 अमरीकी डॉलर तक है। गोजी बेरी का एक बहुत बड़ा फायदा जिस्मानी मुदाफती निजाम को मजबूत बनाना है, जिसकी वजह से इसमें अमीनो एसिड विटामिन सी की मौजूदगी है। मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक गोजी बेरी खून के सफेद खलियात को बढ़ाने में मौसर साबित होती है। ये सफेद खलियात जिस्मानी मुदाफती निजाम को मजबूत बनाते हैं और अमराज के खिलाफ लड़ते हैं। गोजी बेर को मर्दों और खवातीन की खुराक के हवाले से भी देखा जाता है। चीनी में कहा जाता है कि गोजी बेरी मर्दों और खवातीन के पोशीदा कमजोरियों का एक मौसर नुस्खा है। गोजी बेरी को चीन में मोटापे की दुश्मन भी कहा जाता है। इसमें मौजूद मरकबात पेट पर जायद चर्बी को खत्म करने और मजीद न चढ़ने से बचाते हैं। कहा जाता है कि सिर्फ चंद माह गोजी बेरी खाने से मोटापे से जान छूट जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।